प्रपोजिशन कह रही है अगर इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर, अभी तक मैंने जितने भी रूल पढ़ाए ध्यान से नोटिस करो, सेंटेंस के अंदर, ये भी सेंटेंस के, आपके जितने भी एरर हैं वो बनते सेंटेंस में है पर शब्दों की मदद से, आपके जितने भी एरर हैं वो बनते सेंटेंस में है पर फ्रेजेस की मदद से। तो आपको शब्द फ्रेज ये बार 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 पढ़ के रिवाइज करने होते हैं और इसीलिए छह छह बार पढ़वाती हूँ। तीसरी पोजिशन कह रही है इंग्लिश के एक सेंटेंस में दो डब्ल्यू एच एक साथ नहीं आ सकते, सेंटेंस एक डब्ल्यू एच दो बहुत ना इंसाफी है, कोई सा एक डब्ल्यू एच तो हटाना पड़ेगा, कौन सा, बाद वाला, इसको दैट बनाएंगे। क्यों मैम? क्योंकि पहले वाला डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव है, बाद वाला रिलेटिव है, क्यों, रिलेटिव का काम है ना रिलेट करना, रिलेटिव का काम है कनेक्ट करना, कनेक्ट करने आएगा तो बीच में आएगा, पूछने के लिए आएगा तो शुरू में आएगा, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, कहां आता है, शुरू में, जोड़ने के लिए आएगा तो कहां आएगा, बीच में, तो बीच वाले डब्ल्यू एच को हटा के क्या बनाना है, दैट। कैसे? मैंने कहा व्हाट आर द थिंग्स विच यू वॉन्ट फ्रॉम हर, बाद वाले डब्ल्यू एच को बदलना है किसमें, दैट में, तो सही सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वॉन्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम हर या जो भी। ये तरह के क्वेश्चन है जो पेपर में नंबर कटवाते हैं क्योंकि ध्यान नहीं रहता रूल कि कौन से शब्द थे, ध्यान नहीं जाता कि सुपरलेटिव डिग्री आ गई और डब्ल्यू एच लग भी गया क्योंकि जच रहा होता है, पढ़ के देखो हु जच रहा है, हमने इंग्लिश में रूल पढ़ा है लड़की लिविंग है, लिविंग के लिए हु लगता है, बात लड़की की हो रही हो तो हु लग सकता है, हमने ये पढ़ा है, तो हमें लगता है सही है यार, जच भी रहा है, हिंदी भी बन रही है, रूल भी सही लग रहा है, तो ध्यान नहीं जाता एरर पे कि सुपरलेटिव कहता है डब्ल्यू एच नहीं दैट, सेम ओनली नन नथिंग ऑल एनी फ्यू लिटिल कहते हैं डब्ल्यू एच नहीं दैट, दो डब्ल्यू एच कहते हैं डब्ल्यू एच नहीं दैट। तीनों बातें समझ में आई?